4 जून का इंतजार पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया कर रही है कि भारत में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। और मोदी बढ़िया का एग्जिट पोल 350 से 400 की बढ़त दे रहा है एनडीए को, जो कि एग्जिट पोल नहीं, सरकारी पोल कह सकते हैं, गोदी मीडिया पोल कह सकते हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों के सर्वे के मुताबिक किया गया एग्जिट पोल है। जनता का एग्जिट पोल 4 जून को आएगा, इसीलिए 4 जून के लिए हर इंसान के दिल में है धक 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 धक। इंडिया गठबंधन 295 प्लस से लेकर 350 के बीच में आने वाला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के नींदें उड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी फर्जी एग्जिट पोल को देखकर खुश भी नहीं हो पा रही है कि वो अपने घर के अगल बगल लड्डू बंटवाने के लिए हलवाई को ऑर्डर दे सके, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जनता ने इस बार उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। जी न्यूज का AI जो एग्जिट पोल था वो एक ही दिन में 400 से 300 पे आ गया, जो कि एक पुख्ता सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो एग्जिट पोल गोदी मीडिया को दिया है वो गोदी मीडिया तक ही सीमित है। अंधभक्त भी उस एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। 4 जून को जब एग्जिट पोल रियलिटी आएगी तब भारतीय जनता पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उन सारे कार्यालयों में ताला लग जाएगा। जो 5-स्टार कार्यालय बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने वो भी कुछ दिन तक सन्नाटे से विलीन हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी सपने संजोए थे 4 जून के लिए, 4 जून है कल। उस 4 जून के लिए पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि आखिर भारत में किसकी सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल देखकर भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं में कोई भी खुशी नहीं है, क्योंकि वो खुद भी जान रहे हैं कि ये सर्वे सरकारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हर कोई ये सोच के यूज़ कर रहा है कि सोशल मीडिया पे असलियत दिखेगी, क्योंकि गोदी मीडिया जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उस पे किसी का भी विश्वास नहीं है, क्योंकि कुछ लाख लोगों का सर्वे, 140 करोड़ भारतीयों का सर्वे कभी नहीं हो सकता। जिस देश की जनता 140 करोड़ है वो कुछ लाख का सर्वे दिखाकर अपने स्टॉक मार्केट को इंक्रीज करने के लिए जो सैटरडे को भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे थे मंडे को उन्होंने जितना कमाना था कमा लिया, और गोदी मीडिया के जितने चमचे और चमचियाँ थी उनकी आखिरी फीस भी बाकी रह गई थी, जो उन्होंने एग्जिट पोल दिखाकर जनता को बहका कर पूरी कर ली। फीस तो मिल गई मोटी, लेकिन सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन सरकार जैसे ही सत्ता में आएगी सबसे पहले जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। 1 जुलाई से सबके खाते में 8,500 रुपये महीने महिलाओं के खाते में आने लगेंगे। युवाओं को आटा और डेटा दोनों फ्री कर दिया जाएगा रोजगार के साथ, और भी बहुत कुछ जिसे देखकर, जिसे सुनकर देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट किया है वो सारे के पूरे होने वाले हैं। और मैं आप सब से एक बार विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि इंडिया गठबंधन को इतना ज़्यादा प्रेम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इन एग्जिट पोल से निराश न होकर भी आप डटे रहे, जहाँ पे काउंटिंग हो रही है वहाँ पे खड़े रहना आपका ज़्यादा ज़रूरी है। आज की रात बची है तो जहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही है आपके शहर में वहाँ पे जाके EVM मशीन की निगरानी करना सबसे बड़ा कार्य है। तो आपको आपके नेता के लिए, आपके प्रत्याशी के लिए आज का दिन पूरा काउंटिंग वाले स्थल पर देना है, क्योंकि वहाँ पर खेला हो सकता है। क्योंकि अमित शाह जी ने कल 150 DM से बात की है और उन्हें गड़बड़ी करने के लिए पूरी तरह से कहा होगा, ये मैं नहीं अंधभक्त भी कह रहे हैं।
तो 150 डीएम यानी कि 150 सीट्स, और आज पता नहीं कितने डीएम से बात कर उन्होंने खेला करने के लिए पूरी प्लानिंग कर ली है। तो अगर आप डटे रहेंगे काउंटिंग स्थल पर तो खेला नहीं हो पाएगा और इंडिया गठबंधन को एक अलग ही ताकत मिलेगी। तो इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही है वहाँ आप अपने सभी मित्रगण परिवारजनों के साथ पहुँचें और निगरानी रखें, वो आपका कर्तव्य है, और अपने प्रत्याशी को विजयी बनता हुआ देखें। कल है 4 जून, सबके दिल में एक अलग ही उत्साह है, एक अलग ही खुशी है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है और सभी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही खुशी की लहर है। लड्डू बनवाने के लिए हलवाई को ऑर्डर दे चुका है मैंने भी, और दिल्ली में AICC कार्यालय में अलग ही जश्न की तैयारी कर दी गई है। BJP कार्यालय में कहीं पे भी जश्न का माहौल या उसकी तैयारियां शुरू नहीं हुई है क्योंकि वो लोग खुद ही असमंजस में हैं, लेकिन हमें इंडिया गठबंधन पे पूरा भरोसा है, इसलिए AICC कार्यालय पूरी तरह से सज चुका है। AICC कार्यालय में आए और खुशी हम साथ मनाएं। जय हिंद, जय भारत, इंडिया गठबंधन जीत रहा है बहुमत के साथ।